हाउ व्हाट इज दिस किट? सबसे पहले तो समझते हैं इस किट में है क्या। जो कोवी शेल की जो किट आपको प्रोवाइड की जा रही है, ICMR ने इसको अप्रूव किया, उसमें क्या क्या है जरा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको खोलते हैं, चलो लेट्स ओपन इट, चलो शुरू करें। बहुत बढ़िया, तो जरा समझो इसमें क्या क्या है। ओपन करते हैं कॉन्टेंट। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होती है। जरा ध्यान से देखना, जब आप किट को खोलोगे, मैं फाड़ूंगा इसको, किट को खोलूंगा तो देयर वी हैव अ कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब, एक एक्सट्रैक्शन ट्यूब होगी। ये प्लास्टिक की ट्यूब है जो दबती भी है, अच्छे से दब जाती है, तो बहुत ही पोली पोली सी होती है। पोली समझते हो, सॉफ्ट सॉफ्ट, इसको दबा भी सकते हो। यहाँ पे एक नोजल है, इसको आप जब बंद करोगे तो यहाँ से आप बाहर भी निकाल सकते हो लिक्विड। क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो चीजें कौन कौन सी होती हैं, ऐसी एक ना वहां पर एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकलेगी। इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर है ना ऑलरेडी लिक्विड भरा होता है जो कि किट के साथ ही आता है, और ऊपर से ना कैप लगा होता है, मजबूती से बंद होता है। इसके अंदर एक लिक्विड आएगा जो कि किट के किट में ही आपके लिए दिया होता है, आपको ये खाली ट्यूब नहीं होती है, इसके अंदर एक लिक्विड ऑलरेडी होता है और ऊपर से कैप लगी होती है। और यहाँ पर है ना ये एक नोजल लगा हुआ है, इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब मिलेगी सबसे पहले, तो देखो नॉलेज जितना बढ़ाओगे उतना फायदा है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर है ना एक ये देखो नेसल स्वैब होता है। क्या होता है, नेसल स्वैब। अब ये नेसल स्वैब क्या है, ये है, जरा समझो, ये है नाक में डालते हैं वो, तो नेजल, अच्छा मैं तो थोड़ी इंग्लिश खराब बोल रहा हूँ, नेजल स्वैब बोलेंगे, नेजल, नेजल स्वैब होता है, कुछ ऐसा होता है, जरा देख लो, वो नाक में डालने वाला, हिंदी में बोले अपन तो हिंदी के हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में बात करेंगे, तो ये नाक में डालने वाला, देखा होगा ना बहुत बार कैसे कोरोना का टेस्टिंग करते हैं लोग, जैसे नाक में डालते हैं ऐसे करते, वही है ये नेजल स्वैब होता है, ठीक है। अब ये नेजल स्वैब ऐसे पैक्ड आता है, ये ऐसे इस तरह से पैक्ड आता है, ठीक है। अब इस पैक्ड में क्या होता है, इसका एक अपर पार्ट होता है जिस पे रुई लगी होती है, ये रुई वाला पार्ट, और एक कॉटन लगा होता है, कॉटन, ठीक है। एक लोअर पार्ट होता है जिसमें कॉटन नहीं होता, तो आपको ना जो कॉटन वाला पार्ट है वो नीचे रखना होता है, जिस पे कॉटन नहीं लगा है वो तो दिख जाएगा ना, ट्रांसपेरेंट है, आगे से ट्रांसपेरेंट होता है, पीछे से इसके कागज होता है, तो ट्रांसपेरेंट से दिख जाएगा जहां रुई लगी है। रुई वाले पार्ट को नीचे रखना है, और जो ये जो मजबूत पार्ट है जिसमें रुई कॉटन नहीं लगी हुई है उसको ऊपर रखना है, क्योंकि उसको फाड़ना पड़ेगा आपको, मैं तरीका बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। इसको नेजल स्वैब बोलते हैं, और नेजल स्वैब कुछ ऐसी होती है, जरा देखो, ऊपर एक जगह कॉटन होगा, ये ऊपर एक जगह कॉटन और एक जगह कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और यहीं से आपको फाड़ना होता है, कॉटन को नीचे रखना होता है। कॉटन को गलती से भी हाथ लगा लिया तो गया, फिर नया किट मंगवाओ, कॉटन को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मेन चीज तो यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और क्या होता है उसके अंदर, फिर उसके बाद आपके उसके अंदर एक टेस्ट कार्ड होता है, एक टेस्ट कार्ड होता है इस तरह का, ये आपने देखा होगा प्रेगनेंसी टेस्ट भी अगर कराते हो तो कुछ ऐसा ही होता है, तो वैसे ही इसके अंदर भी एक टेस्ट कार्ड दिया होता है। उसके ऊपर आप यहाँ पर जरा आप देखोगे ये कोड लगा हुआ है, जरा पीछे लेके चलता हूँ, ये टेस्ट कार्ड है जिसमें COT लिखा हुआ है, यही टेस्ट कार्ड है, ऐसे ही कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट में भी होता है। और यहाँ पर जरा देखो ये एक बार कोड है, इसी को स्कैन करना होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो एक टेस्ट कार्ड भी आता है उसके अंदर। इसके अलावा ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है, ये क्या है, इसको बोलते हैं बायोहैजार्ड बैग, इसमें एक बायोहैजार्ड बैग भी आता है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या खास बात है, ये वही है प्लास्टिक का ही है जिसमें जिप लगी होती है, बट इसमें आपको सारी गंदगी डालनी है, बहुत अच्छे से पैक करके फिर आपको इसको फेंकना है, फेंकना नहीं है डस्टबिन में डालना है। और ये बहुत क्रूशल इसलिए क्योंकि कल को आपको हुआ कोरोना, तो आपको कम से कम किसी और को ना हो तो इसको अच्छे से पैक करके डालना होता है, तो बायोहैजार्ड बैग भी वो साथ में देते हैं, तो ये किट के अंदर ये सामान आता है।